हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रूरीरम स्पोर्ट की एक कमाल की 4v4 फाइट। तो यहाँ पे केवल 12 बंदे बचे थे और ये चल रहा था लास्ट जोन। यहाँ पे 3 टीम्स बची हुई थी और यहाँ पे ब्रूरीरम स्पोर्ट पूरी तरह से प्रॉब्लम में थी। अगर हम बात करें यहाँ पे सिचुएशन की, यहाँ तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी ब्रूरीरम स्पोर्ट बीच में है और एक साइड से रेड डायमंड और एक साइड से एमजी की टीम इन पे अटैक कर रही है। तो यहाँ पे हमारे जो ब्रूरीरम स्पोर्ट के प्लेयर्स हैं वो 2-2 के स्प्लिट में खेल रहे हैं। 2 प्लेयर्स रेड डायमंड को मार रहे हैं और 2 प्लेयर्स यहाँ पे एमजीएस से फाइट ले रहे हैं। तो दोनों ही टीमें यहाँ पे ब्रूरीरम स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो इस फाइट को हम पूरा आखिर तक एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो ये फाइट होती है यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे 4v4 की सिचुएशन है और ब्रूरीरम स्पोर्ट यहाँ पे बीच पे सैंडविच सिचुएशन पे है। अगर बात की जाए जोन की, तो यहाँ पे जोन जो है वो नीचे के साइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे रेड डायमंड के प्लेयर अभी के लिए नीचे आ चुके हैं, बट अभी रेड डायमंड के प्लेयर फिर से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे 2 प्लेयर ऊपर जा रहे हैं रेड डायमंड के और यहाँ पे हमारी ब्रूरीरम स्पोर्ट एमजीएस पे अटैक कर रही है। नेट्स के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यूसली डैमेज दिया जा रहा है और यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया है जॉइना की तरफ से। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे लॉन्च पैड का यूज करके पूरा उनके पीछे जा रहे हैं। एमजीएस के पीरियड पीछे जाने का ट्राई कर रहे हैं और एक नया एंगल, डिफरेंट एंगल बाई करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जाते हैं लॉन्च पैड से उनके पीछे और एक नॉक निकाल देते हैं। साथ में जॉइना ने एक प्लेयर को यहाँ पे कंटिन्यूसली फिर से नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे एमजी स्क्वाड के केवल एक प्लेयर बचते हैं और यहाँ पे हमारी रेड डायमंड एडवांटेज लेने के लिए ट्राई करती है, बट यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बसाना के द्वारा एक नॉक निकाल दिया जाता है। दूसरा भी नॉक निकाल दिया यहाँ पे बसाना और तीसरा भी नॉक निकाल देते हैं यहाँ पे बसाना। तो 1v3 क्लच की यहाँ पे बसाना ने अगेंस्ट रेड डायमंड के खिलाफ, बट यहाँ पे बसाना नॉक हो जाते हैं लेकिन उनको ईजी बचा लिया जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक प्लेयर बचता है रेड डायमंड का और पूरी तरह से भी प्रॉब्लम हो चुकी है रेड डायमंड के लिए। यहाँ पे रेड डायमंड सैंडविच करने गए थे, यहाँ पे थर्ड पार्टी में मजे लेने गए थे, बट यहाँ पे उनके साथ ही सीन हो जाता है और यहाँ पे बसाना का कमाल का 1v3 क्लच देखने को मिला अगेंस्ट रेड डायमंड के खिलाफ। तो यहाँ पे चार वेस्टर का कमाल का गेम प्ले दिखाया यहाँ पे हमारे वसाना ने और केवल रेड डायमंड का एक प्लेयर बचता और उनको भी ईजी यहाँ पे मार दिया जाता है मोसी की तरफ से। तो इस तरह से इस फाइट को अपने फेवर में किया हमारे यहाँ पे ब्रूरीरम स्पोर्ट ने। तो कैसी लगी आपको फाइट कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे प्लेयर्स के थोड़ा सा नेम चेंज है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आप उनकी स्किल देख के आप समझ सकते हैं कि वो प्लेयर कौन है, या फिर आप उनके कॉस्ट्यूम देख के भी समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्लेयर क्या कौन सा रोल कर रहा है और क्या नाम है उस प्लेयर का।